हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स, या पोटैटो एंड चिकन क्रॉकेट्स कह रहे हैं आप इनको ना। तो ये बहुत ही यमी बनते हैं। और इसके लिए मैंने ये 6 मीडियम साइज पोटैटोज जो हैं वो लेके पहले बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद इस तरह मैशर से मैंने हल्के इनको मैश कर लिया, ठीक है ना। एंड 6 पोटैटोज के अंदर ये 250 ग्राम यानी समझे एक पाव के करीब जो है ये चिकन बॉईल करके और श्रेड करके मैंने रखी हुई है, ये आप मिक्स कर लें। ये अगर आपने ज़्यादा डाल दिए हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, इसके अंदर ये है कि घर में जो लेफ्ट ओवर चिकन बच जाती है या कीमा बच जाता है, या मतलब आपने कोई बारबेक्यू मंगाया है या बनाया है, उसमें जैसे नहीं बाज़ दफ़ा होता है 3-4 रोटियाँ बच गई तो थोड़ा सा कुछ बच गया, तो आप बड़े आराम से ना इस तरह की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वो वाली चिकन भी, लेफ्ट ओवर चिकन आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 6 बॉयल्ड आलू के अंदर 250 ग्राम्स बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाली, उसके अंदर ये बड़ी सी ना एक ग्रीन चिली थी, मैं सिर्फ एक डाल रही हूँ और बिल्कुल फाइनली चॉप्ड मैं सिर्फ एक डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर बहुत मिर्चें लगती हैं। आपकी मर्जी है, आपको अगर ज़्यादा डालना है तो फील फ्री टू ऐड मोर चिली। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ मैं, बल्कि ये 3/4 टीस्पून आप समझे। और मुझे असल में ना अंदाजे की आदत है, इसलिए मैं इस तरह डालती हूँ। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है, 1.5 टीस्पून ये मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, और पेपर जो है ये भी 1.5 टीस्पून। पेपर के साथ थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि ये जो है ना पेपर इससे काफ़ी फिर ना, वरना ये मिर्चीले हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ज़रा आप देख कर डालिएगा। बस इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से, और उसके बाद जो है, अच्छा मैंने इसके अंदर चीज़ अभी मतलब नहीं वो की है, वरना आप मोज़रेला चीज़ जो है ना वो भी अभी हम जब इनको शेप देंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ जो है वो अंदर इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने मिक्स करके, और उसके बाद इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न स्टार्च, ये आप ये इसको बाइंड करने के लिए है, ये 2.5 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें, इट जस्ट बाइंड्स द दिस थिंग टुगेदर। और आप जब इसके इसको शेप देंगे ना तो फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद ये मैंने एक एग लिया था। अच्छा, ये जो एग होता है ना, इसको जब आप कोटिंग करें किसी चीज़ में तो इसमें थोड़ा सा पानी, इसमें जैसे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ना एक एग में पानी मिला दिया, उससे क्या होता है जब आप इसमें कोट करेंगे ना तो वो एक मोटी सी जो एक एगी सी ऊपर एक वो आ जाती है लेयर, वो नहीं आती है, ठीक है ना, आपकी कोटिंग भी हो जाती है और वो अजीब सा एक लुक जो आ जाता है ना कि पता चलता है कि इसके ऊपर इतना सारा एग लगा हुआ है, वो नहीं आता उससे। तो बस अब हम इसको मिक्स करके इसको शेप देना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से डिप करना है। अच्छा, ये सब चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स करके और ये इस तरह का हो गया है। अच्छा, आई वुड से कि अगर आप जब ये बनाएं ना तो ये सब इसमें जब आप स्पाइसेस मिक्स करें तो लीव इट फॉर 15-20 मिनट्स। अगर जल्दी है तो चलें आप बना लें, वरना इट्स बेटर कि 15 मिनट्स हाफ एन आवर के लिए ना इसको आप बना के, ताकि ये सारे जो है ना आपस में वो जो कहते हैं ना रच बस जाएं, तो बड़ा अच्छा सा ये सब मिक्स हो जाता है इसके अंदर सारी चीज़ों के अंदर मसाला। और उसके बाद इसको जब हम शेप देंगे ना तो कीप अ बोल फुल ऑफ वाटर, क्योंकि ये हाथ में ना चिपकता है, तो इसलिए आप यहाँ से हल्का सा अपना हाथ जो है वो गीला करें और उसके बाद इसको आप शेप दें। अब शेप के लिए इट्स अप टू यू, आपको जो मर्ज़ी आए। अगर आप जैसे आम हमारे यहाँ कबाब बनाए जाते हैं ना, शामी कबाब, उस तरह से आपने बनाना है,
तो आप उस तरह से इसको शेप दे लें। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई क्रैक्स ना हो, ठीक है। ये इस तरह से आपने राउंड बनाने, तो आप इस तरह के बना लें, ठीक है। और अगर आपने सॉसेज शेप के बनाने तो आप इस तरह से, whatever shape you give them, आपने बस ये ख्याल रखना है कि इसके ऊपर ना कोई ये ऐसे स्मूथ बने हो, ठीक है ना, इसमें कोई क्रैक ना हो, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये टूट के और सारे फ्राइंग पैन में बिखर जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको ना आप बनाकर और फ्रीज भी कर सकते हैं, जैसे अभी रमज़ान आने वाले हैं तो आप ज़्यादा बैच बना के और इसको फ्रीज कर लें। मगर फ्रीज अगर आप इस तरह करेंगे कच्चे, तो फिर जब आपने बनाना है ना तो आपको नए सिरे से ये अंडा वंडा सब वो करना होगा, तो आप ना इसको थोड़ा सा फ्राई करके, हल्का सा फ्राई, मैं अभी जब फ्राई करूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी, और उसके बाद आप इसको फ्रीज कर लें ताकि जब आपने बनाने हो तो फिर आप बस फौरन निकालें और इसको फ्राई कर दें। अच्छा, यू कैन ऑल्सो मेक दैम इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, इस तरह से राउंड। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो इस तरह यहाँ पे मोज़रेला चीज़ जो है उसका एक क्यूब जो है अंदर डाल के और इसको यूं करके बंद कर दें, तो वो अंदर से जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो चीज़ी से भी हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर वो नहीं डाली है, ठीक है ना। सो यू नो दीज आर जस्ट द थ्री शेप्स दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। आप चाहें किसी और शेप का इसको बना लें तो किसी भी तरीके के आप बना के और इनको रख लें। अच्छा, मैं जो हूँ अभी इनको फ्राई करूँगी, तो मैं सिर्फ इसको इसमें अंडे में डिप करके और फिर फ्राई करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद आप इनमें क्रम भी लगा सकते हैं, यानी आप अंडे में इसको लगा के क्रम करके और फिर फ्राई करें। तो मैं इन सबको शेप दे लूँ, उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने सबको शेप दे दिया, ये इतने सारे बन गए हमारे पास, जो आलू और चिकन थे ना उससे इतने सारे बन गए हैं। थोड़े से मैंने इस शेप के बना लिए हैं, ज़्यादातर ये सॉसेज शेप के हो गए। अब बस हमने इसको फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए सिंपली ये जो अंडा था इसके अंदर आप इसको डिप करें, और अगर इस वक्त चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर दें। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही सिर्फ अंडा लगा के, और ये मैंने पहले से फ्राइंग पैन ऑयल शुड बी हॉट, ठीक है ना, वरना फिर बस सिंपली आप इसको अंडे में डिप करते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। अच्छा, ये जब आप डालेंगे ना इसमें जो उसको फौरन दूसरी साइड से कर दें, ताकि वो पूरा जो अंडा हमने लगाया है ना वो चारों तरफ से इसको फोल्ड करके इससे बिल्कुल टूटने ना दे, ठीक है ना, वरना जो साइड नीचे होगी वो इंटैक्ट रहेगी और ऊपर से ना ये टूटना शुरू हो जाते हैं कभी कभी। तो आप फौरन इसको पलट दें, और अब आप इसको गोल्डन होने दें इसके अंदर आराम से। तो जब तक ये फ्राई होते हैं, इसको हम फ्राई 4-5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, तो फिर फ्राई जब ये हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना कि आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से जब ये बिल्कुल हल्का सा हर तरफ से, इस पर कोई कलर ऐसा नहीं आया है लेकिन ये कोटिंग की वजह से सील हो गया है ना पूरा, तो इसको निकाल के और फिर आप इनको फ्रीज कर लें, ताकि फिर आपको जब ये यूज़ करने हो तो आपने फ्रीज़र से निकाले और डायरेक्ट इसके अंदर डाल के और फ्राई कर लिए। अगर आप कच्चे फ्रीज करेंगे ना तो फिर निकाल के और फिर आपको ये अंडा वंडा सब बनाना पड़ेगा दोबारा से, और फिर और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी टूटा नहीं है ये, और ये आराम से फ्राई हो रहे हैं। तो बस अब इसको, क्योंकि ये कोई इतनी ख़ास इसमें पकने की चीज़ तो है नहीं, आलू भी बॉयल हुए हैं, तो बस इसको ज़रा सा कलर आए तो हम निकाल लेते हैं। ये देखें, ये सारे फ्राई हो गए हैं, और कैसा यूनिफॉर्म सब पे गोल्डन कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मैं आपसे कह रही थी ना कि अंडे में थोड़ा सा पानी मिला लें, ये देखें बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि ये एग से कोट हुए हैं, ठीक है ना, वरना वो कितने मोटे मोटे से, यूजली जो है आप अगर बेकरी से आइटम्स लें या इवन घरों में मैंने देखा है, तो ये आपको कोई चीज़ भी जो है ऐसी नहीं लगेगी कि जिसके ऊपर जो है ऐसे कोट हुआ हुआ है ना, तो उसमें हल्का सा पानी मिला दें, बहुत ज़्यादा भी ना मिलाएं,
और ये जो हमने बॉल्स के शेप के बनाए थे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इसको ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन जो है उसको भी क्लिक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।